प्योरीफाइड डाइट क्या होती है, ये फीडिंग ट्रायल्स करने के लिए यूज़ की जाती है और लैब एनिमल्स में ज़्यादातर फीडिंग ट्रायल्स होता है, आप जानते हैं। तो प्योरीफाइड डाइट में होता क्या है, प्योरीफाइड सोर्स होता है। किसका सोर्स होगा, आप या तो कार्बोहाइड्रेट का होगा, या तो प्रोटीन का होगा, या फैट का होगा, या मिनरल्स का होगा, या विटामिन का होगा। बट इसमें आपको ये याद रखना है कि जो भी आप सोर्स है हमारा, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का हो, चाहे प्रोटीन का, चाहे फैट का, मिनरल्स का, विटामिन का, तो ये क्या है, एक प्योरीफाइड सोर्स है। जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट का प्योरीफाइड सोर्स या तो स्टार्च के फॉर्म में हो दे सकते हो, या ग्लूकोज के फॉर्म में, या सुक्रोज के फॉर्म में। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो आप उसे केजिन के फॉर्म में भी दे सकते हैं, या प्योरीफाइड सोयाबीन प्रोटीन के फॉर्म में दे सकते हैं। सम ऑफ द इंडिविजुअल यूज यूरिया फॉर द फीड, प्योरीफाइड यूरिया एज अ प्रोटीन। फैट को आप किस तरीके से प्योरीफाइड सप्लाई कर सकते हो, लार्ड और सम ऑयल के फॉर्म में। मिनरल्स आर केमिकली प्योर सॉल्ट्स। मिनरल्स क्या हैं, केमिकली वो प्योर सॉल्ट्स ही हैं। और विटामिन भी एज अ प्योर क्रिस्टलाइन कंपाउंड के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। नाउ प्योरीफाइड डाइट स्टार्च के बारे में हम जानेंगे। एक ऐसी डाइट जो पॉसिबल बना देती हो और इंक्लूड करती हो विड्रॉल किसी गिवन न्यूट्रिएंट का, वेदर मिनिमम डिस्टर्बेंस ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। मतलब एक ऐसी डाइट जिसके कारण ये पॉसिबल हो पाया है कि आप इंक्लूड कर पाएँ और हटा पाएँ एक गिवन न्यूट्रिएंट को, और उससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी ना क्रिएट हो अदर न्यूट्रिएंट्स में। द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन कैन बी स्टडीज बाय इंक्लूडिंग वेरिंग अमाउंट ऑफ प्योर नाइट्रोजन। जो इन्फ्लुएंस है डिफरेंट लेवल का और सोर्स का नाइट्रोजन के, उसे कैसे स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग वेरियस अमाउंट ऑफ प्योर प्रोटीन और अमीनो एसिड के फॉर्म में, जैसी विदाउट एनी चेंज इन द रेस्ट ऑफ द राशन। आपने सिर्फ प्योर प्रोटीन को और अमीनो एसिड को वेरी किया है और बाकी आपने कुछ राशन में और कोई चेंज नहीं किया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, नेचुरल प्रोटीन सोर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मीट हो गया, बीन हो गया। ये सब क्या करेंगे, बहुत सारी वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज दे कंटेन मैनी न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब मोर और मोर प्योरीफाइड डाइट को हमें फीड करना होता है एनिमल के, तो रिज़ल्ट जो ऑप्टेन है वो डिस्करेजिंग हो जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी जगह पे अनआइडेंटिफाइड फैक्टर्स भी एसेंशियल होते हैं, और जो अभी हम पता नहीं लगा पा रहे वो अनआइडेंटिफाइड है। इसके कारण क्या हुआ, दिस लीड टू डिस्कवरी ऑफ विटामिन। 1816 में मेडेंजी नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्योर डाइट जो शुगर, प्योर शुगर है और प्योर फैट डॉग को फीड किया, तो असर्टेनली वेदर और नॉट एन वॉज रिक्वायर्ड इन द फूड। इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने प्योर शुगर एंड प्योर फैट दिया कि उसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है फूड में एज डॉग के लिए। फिर जेबी बोसुलगट एक साइंटिस्ट थे जो फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने भी न्यूट्रिशनल स्टडी की बहुत सारी स्पीसीज में, जिसमें उन्होंने यूज़ ऑफ डाइट, बहुत सारी प्योरीफाइड डाइट का इस्तेमाल किया और प्योरीफाइड न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल किया। और अदर कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, मैककोलम एंड डेविड्स, ऑसबॉर्न एंड मेंडल आल्सो वर्क ऑन दिस मेथड। अब जो आपकी ये मेथड है उसके कुछ एडवांटेज भी होंगे। ये मेथड जो रिस्पॉन्सिबल होती है मच ऑफ आर मॉडर्न नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन, जो आज हमारा मॉडर्न नॉलेज है न्यूट्रिशन में, वो इसी मेथड के कारण है। स्पेशली पोल्ट्री न्यूट्रिशन, जिसमें फिजियोलॉजी ऑफ विटामिन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंसेस इन प्रोटीन क्वालिटी एंड एक्सटेंट मोर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफ मैनी मिनरल्स, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, हमें इसी के जरिए मिलती हैं, ये उसका एडवांटेज है। ये मेथड सिर्फ ओनली मेथड नहीं है, जिसके थ्रू आप एलिमेंट का रोल पता कर सकते हैं कि एलिमेंट बॉडी में चाहिए या नहीं चाहिए, स्मॉल अमाउंट में भी इफेक्टिवली काम कर रहा है या फिर उसकी लार्ज अमाउंट चाहिए, तो ये सब चीज़ें इससे पता चलती हैं। एनिमल को फ्रीडेड में देना है या एडिट करना है इज नोन अमाउंट ईजिली, इससे पता लग जाता है। डिसएडवांटेज भी होंगे हर चीज़ के, एडवांटेज है तो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं डाइट में उन्हें प्योर नहीं कंसीडर किया जा सकता इन एब्सोल्यूट सेंस, जैसे कि स्टार्च कैन नॉट बी एंटायरली फ्रीड
फ्रॉम मिनरल एलिमेंट। स्टार्च में भी मिनरल एलिमेंट होंगे। सम ऑफ द विटामिन्स आर आइडेंटिफाइड एज इम्प्योरिटीज। कुछ विटामिन तो इम्प्योरिटीज़ के तौर पर प्रेजेंट रहते हैं। सोर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट नोटेबली प्रोटीन इन प्योरिफाइड डाइट में बी ऑल्टर्ड फ्रॉम देयर नेचुरल स्टेट इन द प्रोसेस। जो कुछ कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे कि हमारा प्रोटीन हो गया, वो प्योरीफाइड डाइट में ऑल्टर हो जाता है, मतलब उसका जो नेचुरल स्टेट है वो उससे अलग हो जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम प्योरीफिकेशन। अब जो काइंड ऑफ प्योर कार्बोहाइड्रेट है वो अफेक्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट, महत्व, जो रिजल्ट का महत्व है उसे अफेक्ट करते हैं। इस तरीके से क्योंकि अगर कुछ विटामिन्स हैं उनके इफेक्ट के कारण जो वेरियस कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सिंथेसिस इज एलिमेंटिक नाम। बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जिनका इफेक्ट कार्बोहाइड्रेट में होता है और विटामिन सिंथेसिस में होता है एलिमेंट्री केनाल में। जितने भी न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं स्पीसीज के द्वारा वो नोन होने चाहिए ताकि हम कम्प्लीटली प्योर डाइट बना सकें।